नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा, मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। साथ ही साथ मैं हूँ रत्न विशेषज्ञ। यदि आपको कोई रत्न चाहिए या आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं आपकी कुंडली देखने के बाद, आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। आप इन नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, और मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड है। जो पेड अपॉइंटमेंट्स लेना चाहे वही मुझे इस पर कॉल कीजिएगा। आज हम बात करेंगे वास्तु की। हम अक्सर बात करते हैं वास्तु को लेकर, लेकिन आज हम बात करेंगे वास्तु से पैसा कैसे बढ़ा सकते हैं। कौन सी दिशा ऐसी होती है जो आपकी दुकान पे ग्राहकों को लाने वाली होती है, और कौन सी ऐसी दिशा होती है जो आपके काम को बढ़ाती है, कौन सी दिशा ऐसी होती है जो आपका सामान बिकवाने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है, आप सब नहीं जानते, तो इसी को आज मैं बताने के लिए आई। देखिए, नॉर्थ दिशा, हमारी नॉर्थ दिशा जो होती है हमारे काम काज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नॉर्थ दिशा से हमारे पास ग्राहक आते हैं, नॉर्थ दिशा से हमारे पास काम आता है। जो नॉर्थ दिशा होती है वो हमारे धन को, हमारे पैसे को, हमारे काम को जोड़ने वाली होती है। हम अपनी नॉर्थ दिशा को हमेशा साफ रखें, वहाँ पर हम बाथरूम नहीं बनाएं। यदि हमारा नॉर्थ दिशा में बाथरूम है तो हम उस पर बाथरूम के जो हमारा WC होती है, वो जो हमारी बाथरूम की, उस पर हम पीले रंग की पट्टी कर सकते हैं, या बाथरूम में हम पीले रंग का बल्ब जला सकते हैं, जिससे उसके दुष्परिणाम हमारे साथ, हमारे पे जो आ रहे हैं या आपके कामकाज में जो दिक्कत हो रही है वो उससे नहीं होगी। नॉर्थ दिशा में कभी भी लाल रंग का सामान, लाल रंग के पर्दे या लाल रंग का पेंट नहीं होना चाहिए। इस बात का आप खासा ध्यान रखिए। यदि आपके नॉर्थ एरिया में कहीं पर भी लाल रंग या कहीं पर लाल रंग की पेंटिंग, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आप तुरंत उसको हटा दीजिए। और नॉर्थ में यदि आप ग्रीन सीनरी लगाते हैं, बहुत घने पेड़ जो हरे रंग के होते हैं, या आप फिश एक्वेरियम रखते हैं या कोई पानी का झरना रखते हैं, तो आपका पैसा, आपके दुकान में आने वाले ग्राहक, मुझे कई लोग सवाल करते हैं कि हमारे दुकान पे ग्राहक नहीं चढ़ते या हमारा काम काज बढ़ता नहीं है, तो उसके लिए आप चाहे अपनी दुकान का नॉर्थ का हिस्सा देखिए या आप अपने घर का नॉर्थ हिस्सा हमेशा क्लीन रखिए। उस जगह पर ग्रीन कलर की कोई सीनरी लगाइए, ग्रीन कलर की सीनरी जिसमें सिर्फ ग्रीन हो, पहाड़ नहीं होने चाहिए उसमें, पानी ना हो तो बेहतर है, उसमें सिर्फ ग्रीन ग्रीन पेड़ नज़र आ रहे हों, लंबे लंबे पेड़ हों, इस तरीके की आप सीनरी लगा सकते हैं। तो आपको जो नॉर्थ के इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जो कामकाज नहीं चल रहा, जो दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे, वो धीरे धीरे देखिएगा आप, वहाँ से आपको आराम आना लगेगा। आप नॉर्थ की दिशा में गुरुद्वारा का चित्र भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा गोल्डन टेंपल, अक्सर सरदार भाई जो लोग होते हैं वो ज़रूर अपने घर पर एक इस तरीके का चित्र ज़रूर लगाते हैं, आप भी लगा सकते हैं। आप नॉर्थ की दिशा में यदि गुरुद्वारे का, यानी कि गोल्डन टेंपल का एक बहुत ही फेमस सा चित्र है जो कि आपने देखा होगा, अक्सर लोग अपने घर पर लगाते हैं, यदि आप लगाते हैं तो आप देखिएगा कितनी जल्दी मैजिक होगा। मैं जो चीज़ें बताती हूँ वो यकीनन वास्तु के हिसाब से बड़ी ही अचूक बताती हूँ, और आप करके देखिए, आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, ये मेरा दावा है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप में से सब लोगों को यदि फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर किसी की मदद कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद 3 लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको फ़ायदा होता है तो। ये फीस स्वरूप इस वीडियो की, एक कहते हैं ना, इस वीडियो का एक आप मुझे छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज है। आप ज़रूर मदद कीजिए उन लोगों की जिनको मदद की ज़रूरत है। तो आप गोल्डन टेंपल का यदि चित्र लगाते हैं तो आपकी दुकान में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होगी, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी दुकान में ग्राहक बढ़ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, धन का आगमन हो रहा है। दूसरी डायरेक्शन हमारे घर की होती है फाइनेंस को लेकर, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इस दिशा में काले रंग का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर काले रंग का कोई भी सामान, काले रंग का पेंट या काले रंग की कोई भी चीज़, काले रंग का सोफ़ा रखा हुआ है, काले रंग के आपने कुशन्स लगा दिए, या आपने काले रंग का यदि कोई काले या नीले रंग का कोई पेंटिंग लगा दिया, तो भी यहाँ नहीं लगाना चाहिए। साउथ की डायरेक्शन का कलर होता है रेड, आपको यहाँ पर रेड कलर के फ्लावर्स लगाने चाहिए, या आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक रेड कलर का बल्ब लगा सकते हैं। जो रेड कलर का बल्ब है वो आपके साउथ ईस्ट
दिशा को एनर्जी देगा, एनर्जी इस टाइप की एनर्जी देगा, आपके फाइनेंस को एनर्जी देगा, यानी कि पैसा आपकी तरफ आएगा। नॉर्थ की दिशा हमें काम देती है, हमारी तरफ ग्राहक लेकर आती है। साउथ की दिशा हमें पैसा देती है, हमारे पैसे को देखती है। यदि हमें नॉर्थ पैसा दे तो रही है, यदि हमारी साउथ ईस्ट में इनबैलेंस है तो हमारा पैसा सारा खड्डे में जाता है, हमारा खर्चा बहुत होता है, हमारी आमदनी तो ठीक है लेकिन हमारे हाथ में पैसा बचता नहीं है। तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर रेड कलर का बल्ब लगाइए और वहाँ से जितना भी सामान काले रंग का, नीले रंग का है वो आप तुरंत हटाइए। उसे हटाकर आप अपने साउथ ईस्ट को बैलेंस कीजिए। यदि आपकी किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसकी जो शेल्फ होती है या उसमें जो पानी की डायरेक्शन होती है वो आप अपनी किचन के हिसाब से नॉर्थ की तरफ कीजिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ कभी भी सिंक जिसमें आप अपने बर्तन वॉश करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी पानी आपका सारा का सारा खड्डे में जाता है, आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद होता है या पैसे का आपको फ़ायदा नहीं होता। तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पानी का कोई भी काम ना करवाएं, आपके किचन के हिसाब से नॉर्थ में आप काम करवा सकते हैं अपने पानी का। तो यही सब चीज़ें हैं, इन्हें कर आप अपनी दुकान की बिक्री बढ़ा सकते हैं, अपने घर को बैलेंस कर सकते हैं। मेरी ये जानकारी पाकर मेरी आपको शुभकामनाएँ, आप सब बहुत धन कमाएँ, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस, और मेरे वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।